हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमएसआई क्रिएटर मॉडल है। ये है जेड 17 i9 12th जनरेशन प्रोसेसर है। इसमें टच स्क्रीन उसकी प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने इसका टच स्क्रीन चेंज किया। हम देखते हैं, इसको ओपन करेंगे। अभी ओपन करने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही थी, टच वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है, हम देखेंगे। ये देखिए, अभी ये हमारे चैनल है, नया चैनल है टेक्जोन IT। हाँ, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, आने वाले नया वीडियो आपको देंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। ओपन हो गया, MSI लोगो आ रहा है, राइट। ये देखें, अभी कुछ सेकंड के अंदर ये बोर्ड हो जाता है प्रॉपर। इसका टच मिट दिया कितना बड़े साइज में है, देखें आप देखेंगे इसको। इसकी RGB कीबोर्ड लाइट भी है इसके साथ, 17 इंच में है ये टच स्क्रीन के साथ, फुल ऑन 4K के साथ। हम पिन डालेंगे इसमें, पिन डाल दिया, पिन डालने का ओपन हो गया। अभी हम उसको लॉगिन करते हैं, तो देख रहे टच पैड इसका देखिए। अभी हम डिस PC ओपन कर लेते हैं, अभी ये डिस PC ओपन कर लिया, राइट। आप अभी देखेंगे इसकी हाँ देखिए प्रॉपर्टीज में जाएंगे इसकी। ये है आपका, ये मॉडल है देखिए, i9 12th जनरेशन प्रोसेसर है। इसमें 64 GB रैम है, हम देख सकते हैं इसके ग्राफिक प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। देखिए देखिए i9 RTX, इसके फिंगरप्रिंट पे है राइट। देखिए इसके डिस्प्ले, देखिए ये डिस्प्ले है आपका, और इसका ग्राफिक जो है NVIDIA है GeForce 3050 Ti। ये टच कैसे बेहतरीन काम कर रहा है इसमें, ये 2 TB SSD के साथ इसका कर रहा है, बेहतरीन लैपटॉप है ये। और गेमिंग सीरीज भी है, बेसिकली आप ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं कोई गेम खेलते, कोई हैंग नहीं होता इसमें, और लैपटॉप की कन्फिगरेशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप देख सकते हैं, अभी हमें वाईफाई कनेक्ट कर दिया। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे, अभी हम इसको यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब में वीडियो देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। देखिए अब अभी ओपन करते हैं, तो अभी देखिए ये हमने ओपन कर दिया 4K वीडियो। अभी जैसे देखिए इसका MSI सेंड कॉपी किया था, अभी चला गया स्ट्रॉन्ग। इसमें क्लियरिटी देखिए कितना बेहतरीन क्लियरिटी है इसमें, आप देख सकते हैं 4K स्क्रीन चल रहा है इसमें, रेजोल्यूशन कितना बढ़िया है इसमें। इसमें 4K सपोर्ट है ऑलरेडी, 2K चल रहा है, उसके बाद 4K क्वालिटी के मस्त क्वालिटी, ग्राफिक एकदम ज़बरदस्त है इसके अंदर, राइट। हम देख सकते हैं और ये देख सकते हैं इसके लोगो का स्टिकर लगा हुआ i9, और इसका RTX ग्राफिक स्टिकर लगा हुआ है। डिस्प्ले डिस्प्ले क्वालिटी कितनी बढ़िया है, राइट साइड पे एक USB पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, और साथ में USB रख के हैं। देख सकते हैं इसका, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का बढ़िया की बोर्ड का RGB लाइट भी है इसमें, स्पीकर तुम्हारे साइड साइड में भी रखा है। लेफ्ट साइड पे देखिए दो पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है, ये देखिए लेफ्ट साइड पे चार्जिंग पोर्ट है, ऑडियो जैक भी है साथ में। इसको ओपन करते हैं, ये MSI सेंसर है, इसमें कंट्रोल होता है, आप इसका CPU फैन है, ये ऑटो मोड पे कर सकते हैं, कूलिंग बूस्टर पे, जैसे गेम के लिए कूलिंग बूस्टर वगैरह आप ऑन कर सकते हैं, गेम परफॉर्मेंस इसका बेहतरीन हो सकता है। ये टच करके देख रहा हूँ, स्क्रीन कितना बढ़िया है। एक चीज़ इस PC से प्रॉपर्टीज ओपन कर लेते हैं, देख रहे हैं आप i9 12th जनरेशन प्रोसेसर 64 GB है, आप देख सकते हैं। ये इसका ग्राफिक देखिए, ग्राफिक मैंने बताया था आपको RTX 3080 और Ti ग्राफिक है, और Wi-Fi भी इसका बेहतरीन है, ब्लूटूथ भी इसका। देखते हैं इसके दोस्त,
लेटेस्ट ब्लूटूथ कार्ड हो, ये देखिए सेटर है। आप इसमें आप देख सकते हैं, इसमें टच वगैरह चेक करना है, कुछ चेक करना है, ट्रैवल शूटिंग करना है, तो MSI सेंटर से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये देखिए, ये आपका हाँ इसमें से यहाँ देख सकते हैं वारंटी वगैरह, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं बैटरी क्वालिटी, बैटरी जो है ना आप सेट कर सकते हैं। अगर मुझे 50-60 पे जाना है, आप देखिए कैमरा ओपन कर दिए, कैमरा ओपन कर दिए, देखें कैमरा, देखिए कैमरा क्लियरिटी कितना बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कैमरा की क्लियरिटी अच्छा है। हाँ बता रहे थे, बैटरी जो है इसमें कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं और बैटरी सेट भी कर सकते हैं, 50-60% से 50 से 60 के बीच में रख सकते हैं, 60-70-80-90% पर रख सकते हैं, और इसमें बैटरी ख़राब नहीं होता। देखिए एनडीए कंट्रोलर है, बैटरी करेंगे तो एनडीए कंट्रोलर होते हैं बीच में, और देखेंगे इस पर जो है टू कलर है, टू कलर सेट होता है इसमें, जैसे डिस्प्ले आप जिस मोड पे चाहे तो सेट कर सकते हैं, तो गेम खेल रहे गेमिंग मोड पे, मूवीज मोड में, ऑफिस मोड पे, देखिए डिस्प्ले का जो चेंज हो गया, राइट देख सकते हैं। और देखिए इसमें RGB लाइट भी है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं कीबोर्ड में जाके, और ये देखिए अब मैं इसको चेंजेस कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बेहतरीन लैपटॉप है MSI की, गेमिंग लैपटॉप है। और ये देखिए पिक्चर की क्वालिटी कितना बढ़िया है, और ये देखिए अभी इसका मैंने अपडेट किया था, अपडेट प्रॉपर हो गया, अब वो रिस्टार्ट मांग रहा है लैपटॉप, रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसको रिस्टार्ट करने के बाद ये देखिए डिस्प्ले क्वालिटी देखिए, ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू, लाइक कर लिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।